आप घर में भी इस अश्वगंधा को खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा खांसी में भी प्रयुक्त होती है, तो आप इसको काढ़ा बना करके इसके जड़ों को कूट करके थोड़ा सा आप उबाल करके चाय की तरह से भी आप इसको पी सकते हैं। खांसी के लिए यह अश्वगंधा एक दिव्य औषधि है। अश्वगंधा वो सिर्फ गंध ही नहीं घोड़े की तरह से, इसके अंदर घोड़े की जैसी ताकत भी है। संसार में हॉर्स पावर भी उसी से मापा जाता है, क्योंकि शक्ति की माप जो है वो घोड़े से की जाती है। तो ऋषियों को पहले से पता था जिस दिन दुनिया के अंदर शक्ति को मापेंगे तो घोड़े से तुलना की जाएगी। तो ऋषियों ने इस पौधे की शक्ति को घोड़े से मापा। जिनको बहुत कमजोरी है, इस पौधे को पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए दूध के साथ, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, उससे आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति और नई ताजगी आएगी। इसके अतिरिक्त जिनको किसी भी तरह से प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, या बहुत कमजोरी है, धातु रोग है, धातु क्षीणता है, उसमें भी यह आपको शक्ति देगा और उस प्रमेह से, प्रदर की बीमारी से आप सदा के लिए मुक्ति पाएंगे। यदि आप डायबिटिक भी हैं तो इसके पाउडर को सेवन करके आप शक्ति पाएंगे। जो शुगर के रोगी हैं उनकी शारीरिक क्षीणता हो जाती है, उनको कमजोरी आ जाती है और बेचारे वो परेशान और दुखी रहते हैं, उनके लिए भी यह अश्वगंधा एक वरदान है, एक दिव्य औषधि है। तो आइए उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप इसका प्रयोग करें और अपनी कमजोरी को दूर करें। इसके अतिरिक्त इससे अर्थराइटिस में, गठिया में जितने भी जो वातज रोग हैं उसके अंदर आप अश्वगंधा को लेते हैं तो उससे अर्थराइटिस में आराम हो जाता है। आप किसी भी दर्द की दवाई के अंदर सुरंजान, अश्वगंधा, सौंठ, शतावर, कुटकी, इन सब को मिला करके पाउडर करके नियमित रूप से लेते हैं तो आपका जो अर्थराइटिस है, जो दर्द है, उसमें पूरा लाभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेथी, सौंठ, हल्दी, इन तीन में यदि आप अश्वगंधा और मिला लें, चार द्रव्य हो जाते हैं। तो इन चारों द्रव्यों को पाउडर करके प्रातः सायंकाल यदि आप लेते हैं तो आपकी गठिया की शिकायत, अर्थराइटिस की शिकायत, शैटिका की प्रॉब्लम, सेल्फ डिस्क की परेशानी और यूरिक एसिड का बढ़ना, इन सब में ये बहुत लाभकारी है। हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, ये चार द्रव्य, इन चारों को बराबर मात्रा में आप लें, पाउडर करें और प्रातः सायं दूध या गर्म पानी के साथ लें। शरीर के अंदर होने वाला किसी भी तरह का दर्द, चाहे वह अर्थराइटिस का है, चाहे वह सियाटिका का है, चाहे वह आपके किसी भी कारण से है, उसमें इससे पूरा आपको मिलेगा लाभ। यह एक बहुत ही अच्छा दिव्य औषधीय पौधा है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कारण से कमर में दर्द है, जैसे खड़े खड़े रह करके आपको काम करना पड़ता है या ऑफिस में बहुत देर आपको बैठना होता है, झुकना होता है, तब भी कमर दर्द के लिए अश्वगंधा का पाउडर निरापद है। जो बच्चे बहुत दुबले हैं, कमज़ोर हैं और बहुत छोटे बच्चों को भी आप अश्वगंधा का प्रयोग करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। ज़्यादा छोटा बच्चा है, वो अन्न भी नहीं खाता हो, तो अश्वगंधा को चंदन की तरह से घिस करके थोड़ा सा शहद मिला करके आप चटा सकते हैं। उसको चटाने मात्र से उस बच्चे की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी, पसलियाँ चलती हों तो पसलियाँ चलनी बंद हो जाएंगी और उससे उसकी ताकत जो है वह बढ़ेगी। और बड़े लोग इसका पाउडर कर करके इसका सेवन कर सकते हैं और यह नपुंसकता को और यौन दुर्बलता को भी दूर करता है। तो दुनिया के अंदर अश्वगंधा को हम जिनसंग की जगह स्थापित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गुणकारी, लाभकारी यह पौधा है। आइए हम जन जन तक इस अश्वगंधा के लाभों को पहुँचाएँ। आज से हम इस अश्वगंधा का प्रयोग प्रारंभ करते हैं।